Let's cut across from New Delhi, where a chief secretary of IMB Ministry is addressing a press conferencing regarding the preparedness of India in COVID-19 situation at present. Let's take a look. कुछ मित्र ये कहते हैं कि संडे को कम टेस्ट हुए इसलिए कम पॉजिटिविटी आई, तो उस दृष्टिकोण से हम आपको बता रहे हैं कि पिछले 5 सप्ताहों 8.50, 9.21, 7.87, 6.82 और 6.24 हुआ है, तो इसलिए पॉजिटिविटी के डिक्लाइन में भी एक कंसिस्टेंट ट्रेंड हमें दिख रहा है। ये एक ही तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे टेस्ट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पॉजिटिविटी भी घट रही है। ये क्यूमुलेटिव टेस्ट्स की संख्या है जो नीले रंग के बार्स में दिखाई गई है, और जो ऑरेंज ग्राफ है वो आपको डिक्लाइनिंग पॉजिटिविटी दिखा रहा है। यहाँ महत्वपूर्ण बात ये है कि औसतन हम लगभग 11,36,000 टेस्ट प्रतिदिन अभी भी कर रहे हैं, हालांकि जो हमारी कैपेसिटी है वो लगभग 15 लाख से कुछ अधिक टेस्ट प्रतिदिन करने की है। औसतन हम 11,36,000 टेस्ट करते हैं, और उसके बीच में एक रेंज है, किसी दिन ज्यादा होते हैं किसी दिन कम होते हैं, लेकिन औसत 11 लाख से अधिक का है। तो उस इतनी बड़ी संख्या में टेस्ट होने के बाद अगर पॉजिटिविटी डिक्लाइन करती है तो ये एक सिग्निफिकेंट तथ्य है। 14 राज्य और यूनियन टेरिटरी संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जिनका टेस्ट पर मिलियन भारत के टेस्ट पर मिलियन से अधिक है, यानी देश का जो टेस्ट पर मिलियन है लगभग 63,000 हो गया है अब प्रति मिलियन टेस्ट हम करते हैं। तो ये राज्य हैं 14 स्टेट्स और यूटीज जो नेशनल एवरेज जो है टीपीएम टेस्ट पर मिलियन उससे अधिक टेस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद उनकी जो पॉजिटिविटी है वो नेशनल पॉजिटिविटी से कम है। तो ये सिग्निफिकेंट बात है और इसका नोटिस लेने की आवश्यकता है। अन्य राज्यों को भी इन राज्यों से सीखने की आवश्यकता है। कल ही हमने सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के साथ एक विस्तृत बैठक की थी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने, और वहां भी हमने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया था कि हालांकि पॉजिटिविटी डिक्लाइन कर रही है उसके बावजूद टेस्ट की संख्या और टेस्ट के स्तर को बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये बड़ी पिक्चर है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि लगभग 87% लोग क्योर हो चुके हैं, रिकवर्ड हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं। 11.69% हैं जो अभी भी एक्टिव केसेस हैं जो अस्पतालों में या होम आइसोलेशन में हैं, और 1.53 डेथ के मामले हैं। 10 राज्य ऐसे हैं जो कि 79% टोटल केसेस जिनके यहाँ हैं, और इनमें भी 3 राज्य ऐसे हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला। केरला एक लेटर एंट्रेंट है इस सूची में, 2 हफ्ते पहले तक केरल 10 राज्यों की सूची में भी नहीं था, अब वो नंबर 3 पर है। और देश के जो कुल एक्टिव केस हैं उनके 11% केरल में हैं, 25% से कुछ अधिक महाराष्ट्र में हैं, और 13% से कुछ अधिक कर्नाटक में हैं। इन राज्यों के साथ हम अलग से विस्तृत बैठक करते हैं और उनके साथ क्या रणनीति आगे होनी चाहिए इस पर भी चर्चा करते हैं। अब मैं आपको मॉर्टेलिटी या मृत्यु के बारे में बताना चाहूँगा। अगर हम जेंडर के आधार पर मृत्यु की विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि जो कुल मृत्यु कोविड से देश में हुई है उसमें 70% मेल हैं और 30% फीमेल हैं। अगर हम कोमॉर्बिडिटीज और एल्डरली यानी आयु के हिसाब से देखें, कोमॉर्बिडिटी मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, आयु के हिसाब से देखें तो 1% मृत्यु हैं जो 17 बरस से नीचे के लोगों में हुई है, 1% हैं जो 18 से 25 में हुई हैं, 10% हैं जो 26 वर्ष से 44 वर्ष के आयु के लोगों में हुई हैं, 35% मृत्यु हैं जो 45 से 60 के आयु वर्ग में हुई हैं। ये महत्वपूर्ण है। कई बार जो यंग लोग होते हैं
जो यूथ है उसको ये लगता है कि हम स्वस्थ हैं, हमारी उम्र कम है, हमको इन्फेक्शन नहीं होगा या हमें इन्फेक्शन होगा तो हम जल्दी रिकवर कर जाएंगे, इन धारणाओं से बचने की आवश्यकता है। तो ये आंकड़े हमें ये दिखाते हैं कि 35% मृत्यु 45 से 60 आयु वर्ग के लोगों में हो रही है और 60 वर्ष से ऊपर के आयु में 53% मृत्यु है। अब मैं कोमॉर्बिडिटी की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। ये केस फेटेलिटी रेट का एनालिसिस है जिसमें हम बता रहे हैं कि 45 से 60 वर्ष के जो लोग हैं अगर उनको कोमॉर्बिडिटीज भी हैं तो उनको खतरा ज्यादा है, यानी 13.9% मृत्यु कोमॉर्बिडिटीज वाले लोगों की हुई और केवल 1.5% जो मृत्यु है वो बिना कोमॉर्बिडिटीज के लोगों को हुई इस एज ग्रुप में। द एज ग्रुप ऑफ 45 to 60 ईयर्स हैज सीन 13.9% डेथ्स इन कोमॉर्बिड कंडीशंस एंड ओनली 1.5% डेथ्स विदाउट कोमॉर्बिडिटीज। 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों में 24.6% डेथ्स हैं जो कि कोमॉर्बिडिटी वाले लोगों में हुई और 4.8 है जो बिना कोमॉर्बिडिटी में हुई। वैसे ही 45 बरस से कम आयु के लोगों में 8.8% डेथ्स कोमॉर्बिडिटीज की कंडीशंस में हुई और 0.2 बिना कोमॉर्बिडिटीज के हुई। अगर हम ओवरऑल देखें तो 17.9% डेथ्स हैं जो कि कोविड पॉजिटिव भी थे और कोमॉर्बिड भी थे। तो ये बताता है कि जो कोमॉर्बिड लोग हैं यानी जिनको कि कार्डियक इश्यूज हैं, रीनल इश्यूज हैं, जो ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट हैं, जो कैंसर से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को अधिक सुरक्षा बरतने की आवश्यकता है। और जो कुल मृत्यु हुई उसमें केवल 1.2% हैं जो विदाउट कोमॉर्बिडिटीज की हुई। देश का जो केस फेटेलिटी रेट है, टू पुट दिस स्लाइड इनटू पर्सपेक्टिव, द कंट्रीज केस फेटेलिटी रेट इज 1.53। सो 1.53% कंपेयर टू 17.9% विद कोमॉर्बिड पीपल एंड 1.2% फॉर पीपल विदाउट कोमॉर्बिडिटीज। थैंक यू। Thank you very much, sir. Now I request Secretary Information Broadcasting, sir. सबसे पहले मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि कोविड का संवाद और कोविड से बचाव के बारे में पूरे देश में जानकारी पहुंचाने में आपका अहम योगदान रहा है। आई डू फील एंड अप्रिशिएट दैट मीडिया हैज बीन प्रोमिनेंट इन टेकिंग द मैसेज ऑफ प्रिकॉशनरी स्टेप्स टू बी टेकन अगेंस्ट COVID-19 थ्रू आउट द कंट्री एंड इट हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड आई मस्ट थैंक एंड अप्रिशिएट द मीडिया फॉर इट। आगामी जो सीजन आ रहा है उसमें दशहरा से लेकर न्यू ईयर, क्रिसमस और न्यू ईयर तक लगातार कई तरह के धार्मिक और अन्य उत्सव हैं। देर इज द सीजन ऑफ रिलीजियस एंड अदर फेस्टिविटीज। देर इज ऑल्सो द अपकमिंग विंटर सीजन एंड डॉक्टर पॉल विल ब्रीफ अस अबाउट इट। And the economy is opening up. And while opening up the economy, we do need to take precautions. As you are already aware, we have permitted the schools to open up. The SOPs for colleges are also coming. From 15th October, that is day after tomorrow, even the cinema halls will open in many places. Therefore, on one hand, we have this opening up of the economy and different sectors. On the other hand, we also have the need to take precautions. In view of that, a major campaign has been launched. It was launched by the Honorable Prime Minister on 8th. I will come to the campaign. Very simple three messages: wear mask, maintain safe distance. We are not talking about social distancing. Socially we are together, physically we have to be apart. And thirdly, hand wash and face hygiene must be maintained
at all the times. Now, the communication strategy that we had earlier was a little simple, that in lockdown we say that everybody will stay at home, stay home, stay safe. During the initial phases of unlock 1, 2, and 3, we focused on Atmanirbhar Bharat, but now it is opening up, but with precautions. So the message is both, let us adjust to the new normal. The new normal is wearing mask, maintaining distance, and maintaining the face and hand hygiene. But with this new normal, let us take precautions and work towards the economic activities that we have. This has been perceived as a Jan Andolan, where we are having the central government, all ministries, state governments, and I must thank all the state governments. They have taken real interest in this Jan Andolan. As I said, it is a campaign which will be from October to November, an intensive campaign, and then it will continue till March in various forms, so that we are able to reach out to almost 90 crore people. That is what we are targeting, the 90 crore people in this country. We are reaching out to them. I'll just explain how are we going to do it, and we are already in it. With these three messages, we have got four different categories. Next, please. See, one is the banner, poster, etc., at all the block offices, tehsil offices, or the places where, which are frequently visited by the people. Could be a police station, could be a milk booth. So that is the first place of contact which we are tackling. The second is the involving the frontline workers. We have 1 crore teachers in this country. We have Anganwadi workers, 16.5 lakh Anganwadis are there. There are Asha workers, Panchayat Sevaks, the Panchayati Raj system. We are taking into confidence all of them through the state governments and working for them. The third is the beneficiaries of different schemes. We have the database. We can approach them directly, the Manrega workers or the PM Awas, PM Kisan. And the fourth category is the private sector. Aap jahan bhi rehte honge, jo trade associations hain, merchant association hoti hain, तो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के माध्यम से अनुरोध किया है कि जहां भी ये बाजार लगते हैं एक बैनर लगा सकते हैं, दुकान के सामने क्रिएटिव का एक प्रिंटआउट लगा के लगा सकते हैं, बैंक के सामने लगा सकते हैं, लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। इस कैंपेन के शुरुआत में जो गृह मंत्री हैं उन्होंने 28 सितंबर को बैठक की थी, और उनकी बैठक के पश्चात कैबिनेट सेक्रेटरी ने 2 बार देश के सभी केंद्रीय मंत्रालयों के साथ बैठक की, और जो सभी राज्यों के मुख्य सचिव हैं और स्वास्थ्य सचिव हैं उनके साथ बैठक की, और उनके माध्यम से ये प्रारंभ हुआ है कैंपेन। लॉन्च जो 8 अक्टूबर को हुआ उसके पश्चात करीब 8 तारीख को ही नंबर 2 ट्रेंड था, Unite to fight Corona was trending at number 2 on Twitter with about 2.3 billion impressions. The COVID pledge was administered in more than 500 offices. And more importantly, the outdoor publicity has taken place. And as I said, it is low cost but high intensive, a people's campaign. Most of the union ministers, starting with the Honorable Home Minister, Defense Minister, Minister of WCD, because women and child have a very important role, they have come forward for this campaign. More than 15 governors and chief ministers took part. Amitabh Bachchan, Shankar Mahadevan, Sania Mirza, Kartik Aryan, Rajkumar Rao, and so on, a number of well-known personalities, including the eminent industrialists like Uday Kotak, T.V. Narendran, who is chairman and managing director of the Tata Motors. They have also come forward with
large number of sports persons like Sania Nehwal and Manu Bhakkar and all. And this campaign will, which has started on 8th of this month, we are regularly in touch with all the media houses, with all the state government, so that the steam of the campaign or the speed and pace with which we have started, that continues over the next 2 months. Some of the key ministries which are participating, all ministries are participating, but some of them, the key ones are Home Affairs, Railways. In the next two slides, I'll just highlight the type of work they are doing. Key institutions, as I mentioned, the lowest functionary at the village level, the block office or the tehsil office, many of the states have got panchayat office, and the outreach at the railway stations, at places which have large movements, whether it is a railway station or a bus stand or the airport. The caller tune has already been changed, and we have Amitabh Bachchan's voice. And let me also inform that in different states, we are using the regional languages to reach out. So it is not Hindi all over the country. It is different languages as per the requirement of the state. And Doordarshan has started a major program called Mask Up India. If you see Doordarshan, if you are watching it, on the right-hand side, there is a logo, Mask Up India. The state governments have come forward, many of the states. Some of them even started the campaign from 2nd October, Gandhi Jayanti, for example, Rajasthan. Other states, UP, Kerala, Maharashtra, Odisha, everywhere the honorable chief ministers are taking interest in this campaign. To give you some idea about the type of activities which are being done, the agriculture department has 3,000 APMCs and 18,000 custom hiring centers, cooperatives. They are reaching out through the farmer produce organizations and cooperatives, Ayush through their dispensaries. Drinking water has reached out to different villages. They have a major program of supply of water through the piped water supply. They have a major program. Women and Child is playing a very key role with their 13.83 lakh Anganwadi centers. They have Anganwadi workers, helpers, and they are taking the message across. Consumer affairs and food and public distribution, we have about 5.46 lakh public distribution shops all over the country. And they are taking messages from the poorest of the poor. When they approach the PDS shop, the message is displayed there so that it is visible and they can take action. The Home Ministry has already issued directions to all the battalions of NDRF and other paramilitary forces, and all the states are also collaborating so as to take this message through the constables. In fact, I went around in Delhi, and even the police vans which are parked in different market areas, the patrol van of police, Delhi police, they are announcing, and this is also being done at the state level. Similarly, houses are already having this display, the LPG distributors. Panchayati Raj, all the functionaries are involved, about 2.5 lakh functionaries in different panchayats, they are involved. All public enterprises, because many of them have got large colonies, establishments. So public enterprises, Ministry of Education, that is my other hat, 10 crore teachers, and about 28 crore students, because we have reached out, there is a system of sending messages all over the country through CBSE, through state boards, through state government. Railways, I must appreciate and thank them that as soon as anybody tries to get a ticket on IRCTC, immediately the message comes. As soon as the website is open, there is a message about the precautions to be taken against COVID. All the post offices, they have carried this message. Civil aviation, the announcement at the airport, etc., and the financial services at the bank counters, we have this display of the messages. And very simply, we are saying
जब तक दवाई नहीं, स्टेटमेंट ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं. वी विल ओपन अप बट विथ प्रिकॉशंस एंड द थ्री प्रिकॉशंस अबाउट फेस मास्क, अबाउट मेंटेनिंग द सेफ डिस्टेंस एंड हैंड एंड फेस हाइजीन. एंड वी आर हैविंग रेगुलर रिव्यूज विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड आई मस्ट अप्रिशिएट दैट ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स हैव कम फॉरवर्ड एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट. And they are as concerned as we are here, and we are getting cooperation from the industry bodies, from the private sector, and of course, as I mentioned in the beginning itself, from the media. Thank you very much. Thank you very much, sir. Now I request Dr. Paul, Member Health Niti Aayog, sir. Ante mari mic ekkada nunchi, laptop mic a, earphone mic a? Ki pandemic ke spread mein. स्टेबिलिटी आ रही है और मृत्यु दर पे भी काबू है. कुछ स्टेट्स में कंसर्न है वो भी आपके साथ शेयर किया गया और ये भी हम सब की तरफ से मैसेज आ रहा है कि ये जो एक स्पीकर उसके साथ साथ कंसर्न भी या गरीब भी है कि ठंड के मौसम में हो सकता है कि हमारे ऊपर ये पैंडेमिक से बरसे फिर बढ़ जाए आउट ऑफ कंट्रोल होने की कोशिश करें. ये सोच इसलिए आती है क्योंकि कोविड 19 का जो वायरस है वो एक रेस्पिरेटरी हमारे रेस्पिरेटरी पैसेजेस से श्वास के पैसेजेस से ही अंदर आता है और जो रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो सर्दी के मौसम में उनका प्रकोप कई तरह से बढ़ता है. ये वायरस की टेंडेंसी बढ़ जाती है, इसका थ्राइविंग थ्राइव ज्यादा करता है ठंड मुक्त मौसम में. नया वायरस है, हर एक चीज इसके बारे में नहीं मालूम. और ठंड के मौसम में यह आम धारणा है कि बच्चों को निमोनिया हो जाता है, बच्चों को ठंड हो जाती है, जुकाम हो जाता है. जो इन्फ्लुएंजा की पैंडेमिक हुई है इंक्लूडिंग 1918 की जो भारत में भी हुई, तो विंटर के मौसम में बहुत बढ़ोतरी केसेस में हुई और शायद जो पहले वाली फेज थी उसकी पीक से भी ज्यादा बढ़कर उसने तबाही मचाई. तो एक कॉमन सोच है कि विंटर में हमें और भी प्रिकॉशन लेनी चाहिए. ये सब कुछ जो संजोया गया है इस देश ने इकट्ठे होके, वो सब उसका नुकसान हो सकता है, वो सब हमसे छिन सकता है. और अगर आप नजर डालें यूएस में तो ये होना भी शुरू हो गया है. हो सकता है उसके और भी फैक्टर हों, लेकिन क्लियरली एक चीज दिखाई देती है कि विंटर के आने के बाद बहुत सारे देशों में नए केसेस आए हैं और ये भी दिख रहा है कई कई जगह पे कि जो उनकी पीक है वो पुरानी पीक से कहीं ज्यादा है. डेथ्स कम हो रही है शायद क्योंकि हेल्थ सिस्टम अब समझ गया है, लेकिन सेकेंड पीक्स आ रही हैं और लॉकडाउन भी हो रहे हैं कई देशों में जैसा कि आपको मालूम है. तो हम इस सारे को नजर में रखते हुए असावधान नहीं हो सकते और ज्यादा तैयारी, हर तरफ से तैयारी इसकी होनी चाहिए. और उसको एक मेन मुद्दे पे हम आ रहे हैं कि बचाव कैसे करें. और दूसरा एक और भी संदर्भ है कि ये त्योहारों का सीजन है, हर धर्म के त्योहार इसमें आ रहे हैं, हर प्रदेश के त्योहार इन महीनों में आते हैं. जब त्योहार आते हैं हम इकट्ठे होते हैं, हम एक दूसरे से मिलते हैं और ये बातें जो हम करते हैं ये वायरस को भी अच्छी लगती हैं. जब हम इकट्ठे होते हैं तो वायरस एक से दूसरे, दूसरे से चार, चार से आठ और आठ से सोलह को जाता है या 64 पे जाता है. तो वही जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं इस पीरियड में, उसका फायदा वायरस उठा के एक सिचुएशन पैदा ऐसी कर सकते हैं कि जिसमें कि इकट्ठ होने वाले जो इवेंट है हमारे वो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बन सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाए. हमें ये तो अब ज्ञात है कि इन्फेक्शन जो है वो सिम्टम आने के दो तीन दिन पहले से ही फैलनी शुरू हो जाती है, इसको पकड़ा नहीं जा सकता, ये पक्की बात है, अब हमें समझ आ रही है. उस टाइम पे व्यक्ति में कोई
खराबी भी नहीं होती, कोई सिम्टम नहीं होता है, कोई भी लक्षण नहीं होते, तो इनोसेंस वाली फेज है, उसका भी कसूर नहीं है। लेकिन हम क्यों ऐसी सिचुएशंस पैदा करें जहां पे कि ऐसा व्यक्ति हो वहां पे जहां की और लोग हैं तो उनके ऊपर जाए, तो ऐसी सिचुएशन पैदा करना जो है हमारे हित में नहीं है। ऐसी सिचुएशन को पैदा हमने नहीं होने देना है, और ये जिम्मेवारी अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी है और दूसरों के लिए भी है, देश के लिए भी है, और इन दोनों को ही पर्टिकुलरली मुद्दे सामने रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशों के मुताबिक, उनकी गाइडेंस के मुताबिक एक जो जन आंदोलन की शुरुआत हुई है 8 अक्टूबर को, उनका आज खरे साहब ने हमें डिटेल में समझाया, उसके पीछे मैसेजेस हैं, उनको हमें बताया कि 3 मैसेजेस हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं इस दौड़ इस बचाव के लिए, और कैसे इसको प्रक्रिया से जुड़ के, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ जुड़ के, सरकारी तंत्र के साथ जुड़ के और जनता के साथ जुड़ के इसको आगे ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन मैसेजेस बताए जा सकते हैं, उनको विदित किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, लेकिन असली तो फर्क तब है कि जब ये बदलाव आएगा, आदत का बदलाव, बिहेवियर में चेंज आएगी, अनुसरण उसके हिसाब से होगा, और वो इक्वल नहीं मान सकते, क्योंकि मास्क लगाने की बात है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बहुत दिनों पहले भी हमें सबको बताया था कि ये करना चाहिए, लेकिन अगर हम इधर उधर नजर देखें तो उस तरह का अनुसरण नहीं हो रहा, अनुपालन नहीं हो रहा। तो आज एक विनती लेके हम सरकार की तरफ से शामिल हुए हैं आपके साथ, मीडिया के द्वारा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा सबको ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है हमारी, वो एक नए डायमेंशन में, नई स्टेज पे आप पहुंच गई है। आप देख रहे हैं कि सबके एफर्ट के साथ एक स्टेबलाइजेशन हुआ, प्लेटू हो रहा है, और हम चाहेंगे ये प्लेटू गिरता 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 खत्म हो जाए जल्द से जल्द, ये सबकी इच्छा है। लेकिन जो आगे विंटर का मौसम है, इकोनॉमी खुल रही है, और त्योहारों के मौसम की वजह से एक पॉसिबिलिटी है कि हम इकट्ठे होंगे, वायरस और फैलेगा एक से दूसरे को, उसको देखते हुए एक जरूरत बन गई है कि इन्हीं मैसेजेस को बहुत आगे तक लेके जाएं एक जन आंदोलन की तरह। और अगर आप ये देखें कि इस तरह की जो